अब बात आती है कि एसक्यूएल डेटा टाइप में कौन कौन सा डेटा टाइप होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइंस दो टाइप्स हैं, जिसमें एक साइंड डेटा टाइप है और एक अनसाइंड डेटा टाइप है। समटाइम्स आपके पास डेटा टाइप जो इंटीजर की फॉर्म में होता है, वो इंटीजर की फॉर्म में डेटा या फ्लोट की फॉर्म में डेटा, या वो आपके पास जो डेटा टाइप है उसमें आप नंबर्स को यूज करते हैं, इंटीजर्स को यूज करते हैं। इंटीजर्स को यूज करते हुए आपके पास समटाइम्स पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, लेकिन समटाइम्स जस्ट आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं जो कि आप यूज करके डेटा टाइप को स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस में जो डेटा टाइप को आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को यूज करते हुए स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं साइंड डेटा टाइप। और जो आपके पास जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज वाला डेटा टाइप होता है, उसको हम अनसाइंड डेटा टाइप बोलते हैं, जिसमें आपके पास साइंड डेटा टाइप की जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो इस तरीके के हैं कि टाइनी इंट जो है वो -128 से 127 तक अगर आए, तो यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यूज भी हैं और ये पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से ये साइंड डेटा टाइप है। स्मॉल इंट में ये आपके पास नेगेटिव से पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आ रही है, तो ये भी आपके पास साइन डेटा टाइप है। मीडियम इंट में अगर आप देख लें तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज, और सेम इसी तरीके से इंटीजर जो है, इंट जो है, इसमें भी आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव तमाम वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए आप इसको साइन डेटा टाइप बोलते हैं। तो अनसाइन डेटा टाइप में आपके पास जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज आती है। अगर आप टाइनी इंट की 0 से 255 तक देखें, स्मॉल इंट की 0 टू 65535 तक, और मीडियम इंट 16777215 तक देखें, और इंट की 0 टू 42949496725 तक अगर आप वैल्यूज देखें, तो ये आपके पास पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू है, सो इनको हम अनसाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। तो ये हमारी बेसिक दो डेटा टाइप्स हैं जो कि MySQL वर्क बेंचमेंट डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए यूज होती है।